दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पूरा मजमा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान अर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। والصلاه والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اله واصحابه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وروى الشيخان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफज्जल उलमाए किराम असातीने इल्म फजल जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले हम नियत करें कि जो सुनेंगे और जो सुने पहले अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा बुलंद आवाज से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ लोहारा में इस मदरसा अहियाए सुन्नत के अहाते में जब यहाँ आना हुआ, ये शायद मेरे ख्याल से दूसरी मर्तबा यहाँ पर आना हुआ, लेकिन आज बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ आकर बैठा था, मुसलसल बराबर कान लगाए मैं आलिम रब्बानी फ़ैदे सुबहानी हज़रत मौलाना हलीमुल्ला कासमी दामत बरकातुहुम की बातें सुन रहा था, बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत जामे कलाम खल्ला तबारक व ताला ऐसे बुज़ुर्गों के नक्श कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि मौलाना आलिम रब्बानी हमारे मौलाना हलीमुल्ला कासमी साहब तशरीफ़ फरमाए। जी हजरत, मैं तो ये सोच रहा था कि आप बोलते ही जाए, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना अच्छा कलाम अल्लाह तबारक व ताला जो मतलब एक खुलासा इस्लाह मुआशरा का जो इन्होंने बताया, अल्लाह ऐसी इल्मी शख्सियत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बेटे मुफ्ती अनीस साहब ने बताया कि बहुत सारे उलमाए रब्बानीयीन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से वो स्टेज पर नहीं आ पा रहे हैं या माइक पर नहीं आ पा रहे हैं। मैं उन तमाम से मैं ये जितने उलमाए किराम बैठे हैं ना, बगैर किसी मुबालगे, बगैर किसी तसल्लु के खुलकर ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने उलमाए किराम हैं और जितने फुजला इज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं, जितने असातीदे इल्म व फ़ज़ल यहाँ मौजूद हैं, ये मेरे मुखातब तो सिर्फ आप लोग हो। इसलिए अगर ये उलमा यहाँ से चले जाए तो भी कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, आप जितने उलमा, मुझे उलमा से बातें नहीं करना कि ये इल्म में इसी भी बात है, वो तो अलग बात है कि एक आदमी गुजरात से आ गया, हाँ लोगों ने इस्तकबाल शुरू किया, बाकी सीधी बात है कि इल्म का मैदान हो, अमल का मैदान हो, तकवे का मैदान हो, परहेजगारी का मैदान हो, ये सब उलमा बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ। इसलिए ये उलमा मेरे मुखातब नहीं है, ये तो सिर्फ दुआ करते रहेंगे। और बात में आपसे शुरू करो करो शुरू करो, अब मेरे को इतना कम वक्त दिया, सही में इतना कम वक्त दिया। अभी मेरे को कहा कि इस्लाह मुआशरा पर बात करना है, फिर हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल हो रहा है बच्चों का, यहाँ आप दस्तारबंदी देख रहे हो, यहाँ इमामें देख रहे हो, तो
इस पर बात करना है, फिर कुछ दो शख्स का निकाह होना है, दो जवानों का निकाह होना है तो उस पर बात करना, तो एक आदमी इतने से वक्त में क्या क्या बात करेगा। फिर दो निकाह भी होना ना, मैं तो समझे इनका ही होना है, ऐसा सदरी वदरी पहन कर बैठे हो माशाल्लाह। ये तो इन्होंने बताया कि मैं नाजिम हूँ, वरना मैं तो इनका ही पढ़ा देता अभी। हो गई शादी वादी हो गई है, यहाँ भी नहीं, नहीं यहाँ कोई टेंशन नहीं है। इतना अच्छा ये बैठे ना, मेरे को ऐसा लगा कि इनका निकाह पढ़ाने जैसा है। खैर मेरे प्यारो, ये बात हम शुरू करें बोलो, करें इंशाल्लाह, शुरू करें इंशाल्लाह, करेंगे बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा की तवज्जो रहेगी, मैं सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि बात बहुत ज्यादा करनी है तो एक सवाल, मजमून बहुत है। सवाल ये है कि पूरा मजमा साथ में बोले, साथ में बोले, जन्नत में जाना हो गया। हमारे गुजरात में अगर मैं ये सवाल पूछ लूँ ना, जन्नत में जाना, पूरा मजमा दो हाथ उठाकर हाँ जन्नत में जाना, यहाँ तो किसी का मूड ही नहीं है। नहीं जन्नत में नहीं जाना, लगा जन्नत में जाना, यहाँ मस्तूरात तो नहीं, औरतों को जमा नहीं किया ना, क्योंकि कभी कभी ये जब मजमा सामने कुछ नहीं बोलता ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी बीवी ने धक्के मारकर तो नहीं भेजा आपको, तो बिल्कुल खुलकर कहे भाई सबको जन्नत में जाना। अच्छा अच्छा, अगर हम कुरान करीम पर नजर करें, अल्लाह तबारक व ताला ने 8 जन्नतें बनाई, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी जन्नतें बनाई, 8। और उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने जब पहली जन्नत अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई, तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमा देखो मैंने जन्नत बनाई, और सारे फरिश्तों की जुबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने फरमाया ये पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी जन्नत बनाई और फरिश्तों को जमा की, और फरिश्तों ने सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहू अकबर, वो फरिश्तों ने सब जिक्र करना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी उससे भी अच्छी बनाऊंगा, फिर तीसरी से अच्छी, चौथी से अच्छी, पांचवी से अच्छी, छठी से अच्छी, और सबसे टॉप वाली जन्नत वो 8वीं, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या हुआ, ऐसा टेंशन मत दे दो, जन्नत के बीच में आते हो। फिर एक मरतबा बोले भाई अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी जन्नतें बनाई, 8। हाँ ऐसा हंसते हंसते बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप हंसो, तवा गर्म हो जाए ना, फिर रोटी पकाने में बड़ा मजा आता है। बोलो ना अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई, आप उंगलियों पर गिनते जाना, इंशाल्लाह मैं नाम बताते जा रहा हूँ, आप उंगलियों पर गिनते जाना। कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह तबारक व ताला ने 8 जन्नतें बनाई, सबसे पहली का नाम बोलो जन्नत रखा, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व ताला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नत आदन। अल्लाह तबारक व ताला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व ताला ने पांचवी जन्नत बनाई, जन्नत सलाम। अल्लाह तबारक व ताला ने छठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व ताला ने सातवीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। अब सबसे आखिरी जन्नत अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई, जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई। लोहारा वालों या शेघा वालों या देवलघाट वालों या जालना वालों, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। एकदम सही सोच के जवाब देना, भले 2 मिनट लेना, लेकिन सही सोच के जवाब देना। अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी जन्नतें बनाई, हमको किस में जाना है? इतना जल्दी जवाब मत दो, किस में जाना है? 8वीं? क्यों पहली दूसरी नहीं अच्छी? पहली दूसरी नहीं अच्छी? मैंने बोलो ना किस में जाना, 8वीं? मैंने साथ में बोलो ना 8वीं में जाना, मेरे को भी जाना, सबको जाना, बोलो कौन सी में जाना।
आठवीं में जाना, और आप लोगों ने इतना फटाफट जवाब दे दिया आठवीं में जाना जैसे सबकी नमाजें मुकम्मल हो गई, सबके रोजे तरावी सब मुकम्मल है। आठवीं में जाना, हाँ जाना ना आठवीं में जाना। अच्छा एक बात, मैं आठवीं में जाने से पहले एक बात करूं, हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, बोलो हाँ बोलो गए थे, मैंने साथ में बोलो ना गए थे। और जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे, साथ में हजरत जिब्राइल अमीन वो भी साथ में थे, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता, आओ मेरे मुस्तफा आओ आसमानों पर आओ, आए आसमान आसमान आओ मेरे मुस्तफा आसमानों पर आओ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आसमानों पर आना कैसे आना, ये जिब्राइल मेरे साथ में है, आसमानों पर आना कैसे आना होगा। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा आओ आसमानों पर आओ, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। अब इसको भी बराबर समझना, हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा बोलो सल्लल्लाहु, पूरा मजमा सल्लल्लाहु, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, सुभान अल्लाह बोलते जाना, हमारे नबी पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी सैयदना हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्ला हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, और हमारे नबी आखिरी आखिरी सातवें आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम से मुलाकात हो गई, हमारे नबी ने सातवां आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। अभी रजब महीना आने वाला, बोलो ना हमारे नबी ने सातवां आसमानों को पार, और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया उदनु मिन्नी या आबदी, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अभी तो सातों आसमानों को पार किया, हमारे नबी साथ में फरमाया अल्लाह सातों आसमानों को पार किया, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब कुछ नहीं हुआ अभी तो आठों जन्नतों को भी पार करना है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्म दना फतदल्ला फकान काब कौसैन अव अदना को भी याद होगा ना जो मैं पढ़ रहा हूं, अरे हुफ्फाज़े किराम है ना, पढ़ो अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, थोड़ी आयात को छोड़कर अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो सल्लल्लाहु, सातों आसमानों को पार किया अल्लाह ने फरमाया आठों जन्नतों को भी पार करना, अब हमारे नबी हजरत जिब्राइल के साथ बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत को पार किया सुभान अल्लाह, जन्नत नईम जन्नत आदन जन्नत खुल्द जन्नत सलाम जन्नत मुकामा जन्नत मावा, और हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस, कहां पर हमारे नबी पहुंचे हैं जन्नत उल फिरदौस में, जब हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सुनना बहुत प्यारी बात है, इसी से हमको कड़ी को कड़ी से जोड़ना, जब हमारे नबी वहाँ जन्नत उल फिरदौस में पहुंचे, आहा क्या जन्नत उल फिरदौस होगी, बोलो सुभान अल्लाह। वो तो अलग बात है, आप लोगों को पहली जन्नत में नहीं जाने का ना, लेकिन वो भी तो शानदार ही होगी ना। अरे आप यहाँ हमारा शेगांव में, या शेगांव छोड़े भुसावल जलगांव में, क्या चलो मुंबई में, या चलो उससे आगे बढ़कर दुबई में, आपने बड़ी बड़ी इमारतें देखा होगा, बड़े
बड़े बड़े बुर्ज देखे होंगे। मैं एक मरतबा देखा, मैंने दुबई में जो बुर्ज देखा वो आधा समंदर में आधा समंदर के ऊपर, तो अंदाजा होता है कि इसका डिजाइनर कौन होगा, इसका आर्किटेक्ट कौन होगा, इसका कॉन्ट्रेक्टर कौन होगा, इसका सारा जिम्मेदारी कौन किया होगा। हमारी आंखें चकाचौंध हो गई जब दुबई के बुर्ज को देखकर, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो कसम अल्लाह की, अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होगी, और वो भी कौन सी वाली, आठवीं वाली, जिसमें जाने का ना अपने को देख लेते जाने का कि नहीं जाना, जाना आठवीं जन्नत में जाना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आठवीं जन्नत में पहुंचे, कौन सी जन्नत बोलो, जन्नतुल, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जन्नतुल फिरदौस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अल्लाह अल्लाह ये आठवीं जन्नत, अल्लाह इतनी प्यारी जन्नत, अल्लाह इसे ये ऐसी जन्नत है आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं होगा, किसी कान ने सुना नहीं होगा, अरे किसी दिल ने ऐसी जन्नत के बारे में सोचा नहीं होगा। मा ला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिया वला खतर आला कल्बी बशर, आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल ने सोचा नहीं, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नतुल फिरदौस। हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह आप किसको देने वाले, आप किसको देने वाले? अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, मेरे मुस्तफा ये आठवीं जन्नत आपकी उम्मत को देने वाला हूं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, आपकी उम्मत को देने वाला हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अल्लाह ये आठवीं जन्नत सबसे बड़ी जन्नत मेरी उम्मत को देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे प्यारे नबी, तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुम्हारी उम्मत से बढ़कर प्यारी कोई उम्मत नहीं। तो जब नबी भी नंबर वन, उम्मत भी नंबर वन, तो जन्नत भी वही दूंगा जो टॉप नंबर वन पर पहुंची हुई होगी। बोलो सुभान। और जब हमारे नबी मेराज के सफर से आए, अल्लाह बात हुई थी किसकी, जन्नतुल, हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम आए। आज भी कुरान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया मेरा वादा है आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप वाली जन्नत दूंगा, मुस्तफा आपकी उम्मत को अता करूंगा। आज भी कुरान करीम उठाए, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16, सूरह कहफ। मेरे साथ में जितने हाफिज होंगे, हुफ्फाज़े किराम सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनु वअमिलु सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अनहिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वो बंदे और बंदियां, साथ में बोलो जो कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा, आवाज से, आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, वामिलु सालिहात, और अच्छे अच्छे अमल करने वाले, अच्छे अमल में सबसे अच्छा अमल जो मौलाना अली मुल्ला कासमी साहब दामत बरकातों ने फरमाया, अल्लाह वो अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ईमान वाले, अच्छे अच्छे अमल करने वाले, तुम सबका ठिकाना, अल्लाह हमको कह रहे, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, वमा हुम मिनहा बिमुखरजी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों, ए मेरे बंदे और बंदियों, जन्नतुल फिरदौस में जाओगे, हमेशा रहोगे, ना हटोगे, ना हटाए जाओगे, ना निकलेंगे, ना निकाले जाएंगे। अच्छा सच से बताओ ना लुआरा वालों, हम सब ये शेगांव वाले साथ में बताओ ना, जब एक बार हम आठवीं जन्नत में चले जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और वो पहली जन्नत 10 दुनिया के बराबर है, तो कसम अल्लाह की आठवीं जन्नत कैसी होगी, हम किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं, तो हम एक बार चले जाएंगे फिर निकलेंगे बाहर। अल्लाह भी कह रहे हैं, न हटेंगे न निकलेंगे, तो हम लोग बाहर निकलेंगे, एक बार जाएंगे अंदर, हमें निकलना भी नहीं चाहिए, हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है, हमने कितनों की जमीन को दबाया, कितनों का विरासत में माल दबाया, हाँ कितनों का हक हमने नहीं दिया, बहन का हक नहीं दिया, किसी चचा ने भतीजे का हक नहीं दिया, किसी मामू ने भांजे का हक नहीं दिया, किसी बड़े भाई ने छोटे भाई का हक नहीं दिया, हमने गैरों की जमीन को दबाया, ये तो आमची जाना, सबको जाना जन्नतुल फिरदौस में जाना, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, जाना है, हाँ बोले एक मतलब, अच्छा जन्नत में जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाल्लाह, और जन्नत में मजा ही मजा, अरे बोलो ना मजा ही, आराम आराम, हाँ
लोगों ने जन्नत में आराम ही। हाँ सही में मैंने दोस्तों यहाँ हमको कितना बहुत टेंशन है, हमको रोटी का टेंशन, हाँ तिजारत का बोलो ना, यहाँ टेंशन होता है ना रोटी का, कारोबार का, हाँ बोलते जाओ, हाँ हाँ, और हमको टेंशन होता है धंधे का, बिजनेस का, हाँ मकान का, हाँ बीवी का। अभी दो निकाह होने वाले हैं, मालूम नहीं तेरी तरफ क्यों मेरी आंखें बार बार जाती हैं। टेंशन तो बीवी का भी है। मेरे को एक मर्तबा किसी ने पूछा था, यहाँ तो बड़े बड़े उलमा बैठे इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को किसी ने एक मर्तबा पूछा था कि मौलाना आपके घर में भी झगड़ा होता है, क्योंकि आप तो इतना लंबा लंबा बयान करते हो दो दो ढाई ढाई घंटे का, तो आपके घर में भी झगड़ा होता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा सवाल मत पूछा कर, मत पूछा कर, और तेरी इतनी हिम्मत के तो कार्य अहमद अली कोई सवाल पूछता। तो कहते ना मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके घर में झगड़ा होता। मैंने कहा देख कौवा हर जगह काला ही होता है। अब ये दो कौवे और तैयार हो रहे हैं। सबको जाना, बोलो ना जाना, आठवीं जन्नत में जाना, और बोलो ना जन्नत में आराम ही। अरे जन्नत में अल्लाह की कसम इतना आराम है, 24वें पारे में लिखा है, जन्नत में इतना आराम है कि जन्नत में अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जो मांगेगा दे दूंगा, जो मांगेगा, नामुमकिन अल्लाह कहते मैं दे दूंगा। लेकिन कभी कभी जन्नत में हम मांगेंगे ना अल्लाह मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी क्यों मांगता है क्यों मांगता है, तो हम कहेंगे अल्लाह तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे। अल्लाह फरमाएंगे ये जन्नत है, मांगेगा तो भी आता करूंगा, मांग मत तकलीफ मत उठा, सोचता जाएगा तो भी आता कर दूंगा। ओनली थिंकिंग, तो थिंक करता जाएगा तो भी अता कर दूंगा। ये 24वें बारे में पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदाउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों आ जाओ जन्नत में, आ जाओ, जो सोचोगे वो भी अता करूंगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाएंगे हम मेहमान होंगे, बोलो हम मेहमान होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। तो सबको जाना मतलब आठवीं जन्नत में जाना, हाँ हाँ बोलो ना जाना है इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। मैं एक मर्तबा वहाँ ओडिशा की तरफ गया था, यहाँ तो माशाल्लाह आप सब लोग जमीन पर बैठे हैं, अल्लाह आपके इस आजीजी को कबूल फरमावे। लेकिन मैं उड़ीसा में गया था, वहाँ पर भी सारे लोग वहीं ज़मीन पर बैठे हुए थे, लेकिन मैंने एक शख्स को देखा जो कुर्सी पर बैठा था, एक कुर्सी पर ऐसे किनारे पर एक कुर्सी प्लास्टिक की रखी थी, उस पर एक बैठा था। लेकिन पूरे बयान में उसने मुझे जितना डिस्टर्ब किया, वो क्या करे मालूम है, क्या करे, वहाँ कुर्सी पर बैठा था और सारा मजमा बैठा हुआ था, मालूम नहीं कितने लोग थे वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बड़ा मजमा बैठा हुआ था। वो मैंने देखा कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो कभी क्या करे मालूम, कभी खड़े हो जावे, कुर्सी पर बैठा है खड़े हो जाए, फिर कभी बैठ जाए, कभी राइट में जाए, कभी लेफ्ट में जाए, कभी फ्रंट में आवे, कभी बैक में जावे। अच्छा मैं जब बयान करते करते उसकी तरफ देखूं ना, मुझे इतना डिस्टर्बेंस हो कि ये क्या अजीबोगरीब, ये कभी खड़े हो जाता कभी बैठ जाता। और हमारे लोगों का हाल है कि जब भी मजमे में जरा भी हरकत हो ऐसे दुनिया में बहुत सो को खड़ा बैठा देखा होगा, लेकिन बयान में देखेगा तो जैसा कोई अजूबा आ गया। अब सब उसको देख रहे हैं, वो कभी खड़ा होता कभी बैठता। तो बयान के बाद मैंने ऐलान किया भाई देखो किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, इतना बड़ा मजमा अकेला बंदा कैसे मुलाकात करे, मैं मुलाकात नहीं करूंगा। लेकिन वो जो कुर्सी पर बैठा ना, मैंने कहा कमबख्त तेरे से मुलाकात करूंगा, तेरी मुलाकात बहुत जरूरी है। तो वो इतना खुश हुआ, खाली साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे, मैंने कहा आ जा जा स्टेज पर आ जा। वो जब आया तो मैंने कहा कितना डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरी तवज्जो तूने बर्बाद कर दी, कभी खड़ा कभी बैठा। तो मुझे कहता है कारी साहब उसमें मेरी क्या गलती। मैंने कहा क्यों तेरी गलती नहीं तो किसकी गलती। कहा यहाँ ऐलान लगा कि मगरिब के बाद कारी अहमद अली आएंगे, हम मगरिब की नमाज यहाँ पढ़े कारी अहमद अली नहीं आए, कहते ईशा की नमाज पढ़े कारी अहमद अली नहीं आए, ये 11 बज गए अब तुम आ रहे हो और अभी 1 बज रहा है, 2 घंटे तुमने बयान किया। उस वक्त से पेशाब दबा के बैठा, ये जो खड़ा बैठा दाएं बाएं वो उसको कंट्रोल कर रहा। मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई करके आता ना, करके आता कुर्सी, कुर्सी का तो बड़ा टेंशन है।
मुझे उस वक्त फौरन एक बात समझ में आई, बहुत समझ में आई कि ये पेशाब भी टेंशन है। सही में लोहारा वाले बोलो, पेशाब करना भी टेंशन, ये पाखाना। अभी देखो इतना बड़ा मजमा बैठा, अभी इसमें कोई बेचारा डायबिटीज वाला प्रेशर वाला बहुत देर से बैठा होगा, अब उसको पेशाब आएगी तो ऊपर नीचे तो होगा ही ना, तो टेंशन है। इसीलिए हमारे नबी बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, जन्नत में जाओगे ना किसी को पेशाब भी नहीं, किसी को पाखाना भी नहीं। बोलो सुभानअल्लाह। अरे बोलो ना, जन्नत में टॉयलेट बाथरूम नहीं, क्योंकि किसी को पेशाब भी नहीं पाखाना नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبولون ولا يتغوطون كما رأى تاجدار مدینہ۔ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جنت میں پیشاب کا تقاضا نہ جنت میں پاخانے کا کچھ بھی نہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں، کیونکہ بہت عجیب لگتا ہے نا کہ جنت میں پیشاب نہیں پاخانہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، جنت میں کوئی بھی گندی چیز نہیں، پیشاب نہیں پاخانہ نہیں۔ تو کہنے لگے وہ صحابی، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہتے ہو جنت میں پیشاب بھی نہیں پاخانہ بھی نہیں، تو جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ، ہاں بولو نا، ہاں بولو نا ہاں۔ کیونکہ یہاں شہی میں نے گجرات میں جو منظر نہیں دیکھا وہ یہاں بھساول جلگاؤں دیول گھاٹ میں جو کل میں نے منظر دیکھا، یعنی ہمارے یہاں گجرات میں کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، یہاں پہ لوگ تیل پیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پیالے میں تیل بھرا ہوا۔ تو جنت میں تو کھائیں گے بولو نا انشاءاللہ، اور پیئیں گے بھی بولو انشاءاللہ، تو جائے گا کہاں؟ سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوشا جوشا علم مسک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنتی جنت میں کھائیں گے بھی، جنتی جنت میں پیئیں گے بھی، لیکن ایک ڈکار لے گا۔ بولو جنت میں کیا لے گا؟ ایک ڈکار کر کے ڈکار لے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس میں کھانا بھی ہضم، بولو سبحان اللہ، پینا بھی ہضم، بولو سبحان اللہ، اور ڈکار کی آواز بھی بڑی پیاری ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور ڈکار لیتا جائے گا جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اب سب بول دو بھائی، جانا جنت میں؟ پکا جانا جانا۔ ایک مرتبہ میں جنت پہ بیان کر رہا تھا نا، تو ایک شخص نے جان بوجھ کر آیا، میرے قریب آیا، کہتا مولانا جنت میں سب ملے گا؟ میں نے کہا ابھی تو پڑھا آپ کے سامنے بھی تو پڑھا، ارے جو سوچے گا وہ بھی ملے گا، مانگے گا وہ بھی ملے گا۔ تو مجھے دھیرے سے کہتا ہے مولانا جنت میں کیا کیا؟ سگریٹ ہاں، یہاں بہت سارے ہوں گے ایسے پاگل، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو۔ تو میرے کو دھیرے سے پوچھتا، میں سمجھ گیا یہ جان بوجھ کر اسٹیج پر آیا، کیونکہ یہ ابھی کہے گا مولانا جنت میں سگریٹ ملے گی، تو میں کہوں گا کہ ہاں ملے گی، تو یہ کھڑا ہو کر کہے گا پیو پیو، تاری صاحب بولے پیو، جو جنت میں ملنے والا یہاں بھی پیو، اور اگر میں کہوں گا نہیں سگریٹ نہیں مکھرو حرام۔ اب تک کہتے تھے جنت میں سب ملے گا، ایک 15 روپے کا پاکٹ مانگا تو منع کر دیا۔ اتنا کنفیوز کیا، میں کبھی بھی کہتا ہوں بھائی ہاں مولانا کو چھیڑنے کا نہیں، مولانا کو چھیڑنے کا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اس نے بہت اچھے انداز میں میرے کو پوچھا مولانا جنت میں سگریٹ سگریٹ کیا بھی، ہاں بولو تو بھی پریشانی، نہ بولو تو بھی پریشانی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ مائک کے قریب آتا، میں نے کہا تو جا، میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ بھائی پوچھ رہا ہے جنت میں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں نے کہا میرے محترم دوستوں بزرگوں جنت میں سگریٹ ملے گی، بولو جنت میں سگریٹ ملے گی۔ تو ابھی کچھ بولنے جا رہا تھا کہ ہاں ہاں پیو پیو، میں نے کہا رک جا رک جا، جنت میں سگریٹ ملے گی مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، تو جنت میں آگ نہیں ہے۔ ارے بولو جنت میں آگ ہے۔ وہ چلا گیا۔ آج میرے خیال سے اس کو سوال پوچھ کے 4 سال ہو گئے۔ میرے کو ایک مرتبہ کسی نے کہا وہ ملتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا جلانے گیا ہے کہاں سے آئے گا۔ خیر سب کو جانا جنت میں جانا، ہاں بولو نہیں ایک بار بولو۔ تو میں بات شروع کروں؟ ابھی بات شروع نہیں ہوئی، شروع کروں؟ تو آپ سوچتے ہوئے اب تک کیا کر رہا تھا، بات شروع کروں؟ دیکھو اگر جنت میں جانا ہے نا، اللہ کی قسم 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنے کام کے لیے؟ پھر یہ پورا مجمع میں قسم کھا کر علماء کے بیچ میں کہتا ہوں، یہ 3 کام اگر ہمارے پاس آ گئے نا، آج ہم یہ مدرسہ احیاء سنت لوہارا کے احاطے میں گراؤنڈ میں جمع ہے، قسم اللہ کی
तीन काम करो, हम जन्नतुल फिरदौस में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। आज यहां भले हम जमा है, किसी को ठंड लगे, किसी को गर्मी लगे, हम किस तरीके से यहां भूखे प्यासे जैसे भी यहां पर जमा है, लेकिन तीन बातों पर अमल करो। परवरदिगार की कसम, अल्लाह की कसम, हम सब जन्नतुल फिरदौस में जमा होंगे। बाद में हमारी मुलाकात होए ना होए, लेकिन आज इरादा करके जाना कि तीन काम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे, बोलो 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 इंशाअल्लाह। बोलो कितने काम करेंगे? बोलो बोलो कितने काम करेंगे? तीन काम, जिसमें सबसे पहला काम, सबसे पहला यकीन बना लो करने धरने वाला कौन। तैयार हो इसके लिए? कौन कौन तैयार है? यकीन बना लो करने धरने वाला कौन। मेरे प्यारो, ये यकीन बहुत जरूरी, इतना जरूरी है। हर आदमी पूछता है कि मौलाना दुआ मांगता, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ मांगता, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे प्यारो, दुआ कबूल करवाने के लिए बहुत से अमल हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उसमें एक अमल हमारे नबी ने बताया कि कुरान पाक में आयत है जिसमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत है, उसमें इकरार है करने धरने वाला कौन। हमारे नबी साथ ने फरमाया, आयत पढ़ ले, उसके बाद अल्लाह से मांग ले, अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तूने मेरी तौहीद बयान की, अब जो तू मांगता जाएगा तेरे मांगने में देर होगी, मेरे आता करने में देर नहीं होगी। तो कौन कौन मांगेगा? वो आयत पढ़ना और फिर अल्लाह से मांगना। कौन सी आयत? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा दोनों हाथ उठा कर ये मांग लेना, ए अल्लाह सारी हुकूमत रखने वाला तू ही, सुभानअल्लाह, सारी हुकूमत रखने वाला बोलो तू ही, ए अल्लाह इज्जत देने वाला तू ही, जलील करने वाला तू ही, अमीर बनाने वाला तू ही, गरीब बनाने वाला तू ही, बियदी कल खैर, सारी भलाइयां तेरे कब्जे कुदरत में है अल्लाह, तो हर चीज पर ताकत रखने वाला, कुदरत रखने वाला, बस इतना कह दो फिर अल्लाह से मांगो। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तौहीद बयान की, अब ये मांगता जाएगा मैं अता करता जाऊंगा। तो बहुत जरूरी है मेरे प्यारो, सबसे पहले यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन। अल्लाह, यकीन बनेगा ना इंशाल्लाह? ना नहीं बना। अभी हम यहाँ सब बैठे, कल मैंने देवलघाट में भी कहा, अभी यहाँ सब हम लोग बैठे हैं, सबको प्रॉब्लम आते हैं भाई, बयान करने वाले को भी आता है, आपको भी आता है, कभी किसी को बीवी का प्रॉब्लम, किसी को बच्चे का प्रॉब्लम, किसी को कारोबार का प्रॉब्लम, किसी को समाज का प्रॉब्लम, किसी को पड़ोस से प्रॉब्लम, किसी को सोसाइटी से प्रॉब्लम, किसी को कम्युनिटी से प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम है, ये दुनिया है, ये दुनिया में इम्तिहान इम्तिहान, ये दुनिया गम की जगह है, यहाँ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आते हैं, हम लोग उसका इलाज क्या करते हैं मालूम? इलाज क्या करते हैं? अगर जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गया ना, तो मेरे को ये भाई मिले, मैं इसको बोलूंगा यार मेरे को वो आदमी बहुत सताता है, बहुत सताता है, तो ये फिर ना दूसरे दो को बोलेगा कि वो कार्य मंत्री बहुत परेशान है, उसको वो फला आदमी बहुत सताता, वो दूसरे चार को बोलेगा, थोड़ी देर में पूरे लोहारा और शेगांव में बात हो जाएगी, कार्य मंत्री बहुत परेशान है और उसको एक आदमी परेशान बहुत करता। लेकिन सच बताओ, इतने लोगों ने सुना, कोई मेरी परेशानी को हल करेगा? बल्कि बातें बनती जाएगी, बातें बनती जाएगी, फिर मेरी बात बनेगी, फिर जब मेरी बात बनेगी तो साथ में बीवी की बात आएगी, जब बीवी की बात आएगी तो बच्चों की बात आएगी, जब बच्चों की बात आएगी तो हमारे अम्मा अब्बा की बात आएगी, हमारे दादा दादी नाना नानी, पूरे लोहारा में, पूरे शेगांव में एक हवा फैलेगी। गलती किसकी थी? मेरी थी, जो मैंने एक को कहा। हा? और ये गलती हम उसमें खास करके, ये गलती हमारी बीवियां जो गलती करती है, वाह वाह सुभान अल्लाह। जहां शोहर घर में से बाहर निकला और कुछ गुस्सा होकर निकला, भाई दिमाग थोड़ा तपा होगा, गुस्सा होकर निकला, जैसे निकलेगा ना तो वैसे बीवी पड़ोस में जाएगी, तौबा तौबा, किस्मत फूटी थी जो ये घर में शादी हुई, मेरा हस्बैंड इतना खतरनाक, इतना डेंजर है, कहां कहां आंखें घुमाता हूं पता भी नहीं चलता, खबरी जाएगी मेरी सास, ओ तो नागिन की तरह सामने आती है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, ये हमारी बीवी ने जाके पड़ोसन में कहा, क्या फायदा हुआ? वो पड़ोस वालों ने दूसरे चार को कहा,
पूरे उसमें मशहूर हो गया कि ये शोहर बहुत जालिम है, इसकी बीवी बहुत दुखियारी है, इसकी सास भी बहुत खतरनाक है। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कुछ? किसी ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया? इसका मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो अपनी बदनामी खुद करता, कुल्हाड़ी खुद अपने पांव पर मारता। इससे अच्छा क्या करता मालूम है? करोगे? ये प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन उसका हल बोलो करोगे इंशाल्लाह। क्या करना मालूम है? क्या करना? अगर आप बीवी से परेशान या बीवी आपकी आपसे परेशान या आप किसी से भी परेशान, कुछ नहीं करना। क्या करना मालूम है? कहाँ वजू करना, बोलो क्या करना? वजू, मिसवाक भी कर लेने का, वजू कर लेने का, मुसल्ला बिछा के दो रकात नमाज पढ़ लेना और फिर दोनों हाथ उठाकर, अल्लाह ये मुझे सता रहा है अल्लाह, लेकिन अल्लाह मेरे कंट्रोल में नहीं, अल्लाह मैं बहुत कमजोर, अल्लाह अल्लाह मैं तो ईमान में भी कमजोर, अमल में भी कमजोर, जिस्म में भी कमजोर, अल्लाह मैं कमजोर, लेकिन तेरे से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। मेरे प्यारों कुछ दिन ये अमल कर लो दो रकात नमाज वाला, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। ये हमारा यकीन है, बोलो ला इलाहा। और ये जो अमल मैंने बताया ना, ये कुरान पाक के इशारे में मिलता, पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले सफे पर आप भी देख लेना कुरान में, पारा नंबर 20 बिल्कुल पहले पेज पर देखना, अल्लाह क्या फरमाते, फरमाते परेशानी तो दूर करूंगा लेकिन पूरे लोहारा में और शेगांव में तुझे अमीर बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मालदार बना दूंगा, अल्लाह कहते इज्जतों के फैसले करूंगा, और जब मैं करूंगा तो कोई रोकने वाला। इसलिए पहला इरादा कर लो, हाथ से इरादा करो भाई, इधर उधर कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सीधे डायरेक्ट किससे मांगने का? अल्लाह। बोलो करने धरने वाला कौन? ये एक एक सवाल का जवाब भी मैं आपको दे दूं। एक मर्तबा एक देहाती साहबी, देहाती यानी विलेजर, देहाती समझते हो ना, बद्दू आराबी, एक साहबी आए। अब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, बोलो हमारे नबी सासम तशरीफ फरमाओ। कौन आए? वो देहाती साहबी आए, वो देहाती साहबी आए, सुनना, आए आकर कहा अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछना है। हमारे नबी सासम ने कहा पूछो, क्या सवाल पूछना है? पूछो, क्योंकि जवाब देने वाला कौन? खुला जुबान नबी की होगी, जवाब तो अल्लाह का होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देहाती साहबी से कहा कि पूछो क्या पूछना। अजीब सवाल पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह का है, अल्लाह का है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आगे कहते, उससे पहले वो देहाती साहबी कहते करीबुल फनुना जी ही बाईदुल फनुना दी ही। कहा अल्लाह के रसूल मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह कहां है? अल्लाह करीब है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारू, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह। और अगर अल्लाह दूर है तो मैं बुलंद आवाज से पुकारू, ए अल्लाह ए अल्लाह। क्योंकि या तो अल्लाह करीब होंगे या अल्लाह दूर होंगे। करीब होंगे तो हमारी आवाज कैसी होती है? आहिस्ता। वॉल्यूम कैसा होता है? और दूर हो तो हमारा वॉल्यूम कैसा होता है? बुलंद होता। तो वो साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारू, दूर है तो मैं बुलंद आवाज से पुकारू। ये सुनना, हमारे नबी कोई जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्रील आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफा क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया ये देहाती साहबी है, देहात के है और पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, करीब है क्या दूर है। हजरत जिब्रील ने फरमाया मेरे मुस्तफा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। किसने जवाब दे दिया है? साथ में बोलो ना, किसने जवाब दे दिया है? खला। और वो आयत आज भी कुरान में पारा नंबर 2, बोलो पारा नंबर 2 सूरह बकरा, आज भी वो आयत करीमा मौजूद है। हजरत जिब्राइल लेकर आए कि जवाब मिल गया। वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतन दाईदान फलयस्तजीबूनी वलयूमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। उसने पता चल गया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, सुनना बराबर, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी कोई भी मेरा एड्रेस पूछे, कोई भी मेरा पता पूछे कि मैं कहां हूं, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो मैं करीब। बोलो अल्लाह दूर है कि करीब?
सवाल था ना अल्लाह कहाँ है, तो बोलो अल्लाह दूर है के करीब, आवाज नहीं आ रही, बोलो कहाँ है, करीब है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सहाबी आए थे ना देहात के थे, कहने लगे देखो देखो ये आयत करीम आ गई, अल्लाह करीब, अल्लाह करीब, बोलो अल्लाह करीब। वो सहाबी जो थे ना उन्होंने एक दूसरा सवाल उसी वक्त पूछ लिया, कहा अल्लाह करीब है, हमारे नबी ने फरमाया हाँ अल्लाह करीब है, तो कहा कितने करीब है, देखो ये बैठे ये भी करीब, ये बैठे ये भी करीब, ये भी करीब, लेकिन अल्लाह कितने करीब है, यानी कितने कदम अल्लाह करीब है, दो कदम पांच कदम दस कदम कितने कदम अल्लाह करीब है। हमारे नबी कोई जवाब दे दे, फिर हजरत जिब्राइल आए, बोलो सुभान अल्लाह, और हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा जवाब ना दे, अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया है, अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया, पारा नंबर 26 सूरह काफ में अल्लाह ने जवाब दे दिया, खलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई भी मेरे बारे में पूछे कह देना मैं करीब, लेकिन अल्लाह तू कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, हमारे सीने में जो धड़कने वाली रगेंगे, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। मतलब कोई हमको पूछे अल्लाह कहाँ है, हम ये नहीं कहते उधर इधर, मैं कहता हूँ गर्दन झुका दे, दिल में अल्लाह मौजूद है, बोलो सुभान अल्लाह, दिल की जो रगे हैं उससे भी ज्यादा करीब कौन है, अल्लाह। तो चलो कौन कौन तैयार है, पहली बात बिल्कुल पक्की कर लो कि करने धरने वाला कौन, एक बात बोलो अल्लाह से डर लगता है, कोई मैंने निकाह कबूल करवाया आपका, सीधा सीधे बात पूछा भाई अल्लाह से डर लगता है, करे हाँ या नहीं, बोलो लगता है, बुलंद आवाज से बोलो कौन कौन डरता है अल्लाह से, सब डरते ना अल्लाह से, और यकीन है करने धरने वाला कौन, अरे डरना भी उसी से चाहिए, अल्लाह से डरो, क्योंकि खिलाने वाला कौन, अल्लाह पिलाने वाला कौन, हमें पैदा करने वाला कौन, पूरा मजमा बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन, बोलो अल्लाह, खिलाने वाला कौन, बुलंद आवाज से अल्लाह, और बुलंद आवाज से पिलाने वाला कौन अल्लाह, हमें कपड़ा देने वाला कौन अल्लाह, रात को दिन में दिन को रात में बदलने वाला कौन अल्लाह, जिंदे को मुर्दा फिर मुर्दे को जिंदा, बोलो करने वाला कौन अल्लाह, जब सब कुछ करने धरने वाला, अर्श फर्श का पैदा करने वाला, डर तो उससे लगे ही ना, और डरना भी डरते हो ना अल्लाह से, ये पहली बात। मैंने कहा ना तीन बातें जमा होगी इंशाअल्लाह, यहाँ जमा है कल जन्नतुल फिरदौस, कौन सी वाली जन्नत, लेकिन तीन बातें पक्की कर लो, उसमें पहली बात ये करने धरने वाला कौन, ए बोलो फिर बोलो ना अल्लाह से डर लगता, मैंने हाँ या ना, या बुलंद आवाज से बोले ना मेरे लोहारा वाले शेगांव वाले जहां से, भाई अल्लाह से डर लगता, और डरना भी, अल्लाह खुद कहते मेरा बंदा मुझसे डर तो जन्नत दूंगा, अल्लाह कहते मेरा बंदा मुझसे डर तो, खल्ला ने फरमाया सूरह रहमान तो याद होगी पढ़ो, खल्ला ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान ज़वाता अफनान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। एक बार तबस सब साथ में, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, वक्त बहुत कम है, साथ में बोलो अल्लाह से डरते हैं, और डरेंगे तो क्या मिलेगी, रात को एक बजे मोबाइल पे क्या करते हो, नहीं हंसो मत, मतलब ये पूरा मजमा मदरसे के इहाते में झूठ बोल रहा है, मोबाइल पे नंगी आधा कपड़ा पहनी औरत नाचती है, हम देखते हैं पीछे गाना बज रहा है, वो नाच रही है, हम बड़ी खुशी खुशी के साथ देख रहे हैं, ये अल्लाह का डर है, मैंने बोलो ना ये अल्लाह का डर है। अच्छा मेरे को एक सवाल, देखो बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, अल्लाह की हिफाजत फरमावे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दय्यान ला यमूत, हमारे नबी फरमाते अल्लाह को कभी मौत आने वाली, कमा तदीन व तुदान जैसी करनी। मेरे प्यारो ये जो हम आधा कपड़ा पहने औरत नाचती है, उसको मोबाइल पे देखते हैं, पीछे गाना बजता है, सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को फोन करते हैं, बहुत अच्छी क्लिप आई है 12 मिनट की, तेरे को भेजूं, वो कम बखत भी तैयार है, कहा भेज भेज भेजना मैं तैयार हूं, सोया नहीं हूं अभी, अभी अभी मेरी रात शुरू नहीं हुई है, ये इसने बटन दबाया क्लिप वहां पर गई,
उसने देखा 12 मिनट के बाद फोन करके बोलता है वेरी सुपर हॉट। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? ये नाचने वाली औरत। अच्छा मेरे को ये बताओ कि हमारे नबी फरमाते जैसी करनी वैसी भरनी, अगर ये औरत जिसको हम देख रहे हैं ये आधा कपड़ा पहनी नाच रही है, जो गुनाह है हराम है हराम देख रहे हैं, अगर इसकी जगह पर हमारी बेटी होती तो हमारी बहन होती हमारी बीवी होती हमारी बहू होती तो हम दोस्त को फोन करके बोलते देख मेरी बेटी नंगा नाचती है 10 मिनट देख ले जैसी करनी। क्यों मेरे दोस्तों ये कौन, इन्हें मेरे को ये सिर्फ इतना समझा दो मैं चला जाऊंगा, ये कौन सा ये मोबाइल क्या है, क्या बला है, क्या मुसीबत है? जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, व्याज का कारोबार सूद का कारोबार मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है मोबाइल में, चुगली की जाती है मोबाइल में, अपना हसद निकाला जाता है मोबाइल में, अपने दिल की जलन निकाली जाती है मोबाइल में। अरे इस मोबाइल की वजह से माँ को गाली दी जाती है, इस मोबाइल की वजह से बाप को धक्के धक्के मार के दरवाजा दरवाजा घुमाया जाता है। बल्कि मेरे लोहारा वालों और सारे इलाके वालों कसम अल्लाह की, आजकल जो तलाक और डिवोर्स होता है उसकी वजह भी तो ये मोबाइल में ये सब हम लोग करते हैं। ये अल्लाह का डर है? ये क्यों अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है? क्यों अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है? और आपको मालूम है एक तरफ हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, बोलो एक तरफ हम कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, और एक तरफ खुल्लम खुल्ला गुना मोबाइल पे गुना। अरे मोबाइल पे पबजी खेला जाता है, अरे मोबाइल पर गेम खेली जाती है, हमारा 5 साल का बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता है, माँ आंखें फाड़ फाड़ के देखती है, ये बाप कमबख्त आंखें फाड़ के देखता है, मगर ये नहीं कहता कि बेटा ये मत कर, कम से कम 5 कलमे तो याद कर ले, उठने बैठने की दुआ तो याद कर ले। पबजी खेला जाता है एपिसोड पर एपिसोड, और जवान तो जवान नौने बुड्ढे भी, हाँ ये एक तो दिखता नहीं है कमबख्त बुड्ढा, एपिसोड पर एपिसोड देखे जाते हैं। दिल सही बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक आसान मिसाल, हमको दुनिया से मोहब्बत है या सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? ये मौलाना हलीमुल्लाह साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कितना अच्छा बताया कि अगर किसी औरत की खूबसूरती देखकर निकाह हो रहा है, ईसाइयों का तरीका है, मुसलमान का तरीका है, दीन को देखा जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमको अल्लाह रसूल से मोहब्बत है या मोबाइल से मोहब्बत है? झूठ मत बोलना, हाँ अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। अच्छा ये बताओ मोबाइल सबके पास है, हाँ या ना? अरे मैं कहां मांग रहा हूं आपसे, मांगा किसी से नंबर मांगा आने के बाद? नहीं है, सबके पास मोबाइल है? है, बोलो ना है। मिसवाक खुल गई, किससे मोहब्बत है किससे मोहब्बत नहीं है? कि मोबाइल बातें होती है दुनिया वालों से, मोबाइल में स्नैपचैटिंग होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, मोबाइल में फेसबुक होता है, मोबाइल में स्टेटस होता है दुनिया वालों के लिए। और मिसवाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता मैं मिसवाक को हर वजू से पहले फर्ज कर देता, लौला न शुक्का अलैहि ला अमरतुहुम बिसिवाक इंदा कुल्ली वुदू औ इंदा कुल्ली सला। हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक जरूरी हो जाता लेकिन मेरी उम्मत पर भारी है इसलिए मैंने मिसवाक को सुन्नत किया। कमाल की बात है, मिसवाक से अल्लाह से बात होती है। वो मिसवाक हमारे पास नहीं, हालांकि मिसवाक सस्ता है, और मोबाइल जिसे दुनिया वालों से बात होती है वो हमारे पास, जबकि वो महंगा होता है। खुल के दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। इसलिए मेरे प्यारों मैं हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, अपना ईमान बचाओ, सही में ईमान बचाओ। हमने ऐसे ऐसे वाकयात पढ़े हैं कि कितने अल्लाह वालों ने किसी को देखा कोई कब्र में आजाब में है, पूछा क्यों आजाब में है तो कहा कि बहुत बीमार था, बहुत बीमार था, डॉक्टर ने मशवरा दिया कि दारू का एक प्याला पी ले, मैंने दारू का प्याला पी लिया, अल्लाह ने मौत के वक्त मुझसे कलमा ही छीन लिया। कोई मेरे प्यारो इलाज के लिए दारू पी लिया, मौत के वक्त अल्लाह ने कलमा छीन लिया। हम मोबाइल पर हजारों गुना करें, हजारों गुना करें, जीना करें, चोरी करें, चुगली करें, झूठ बोले, वादा खिलाफी करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मौत से पहले हमारा भी ईमान छीन ले। इसलिए मैं आपको मोबाइल मना नहीं करता, देखो मैं मोबाइल को हराम भी नहीं कहता, बाहर जाके मत कहना कि
भिखारी सब ने मोबाइल को हराम कहा, मोबाइल तोड़ दे, फोड़ दे, ना मोबाइल तोड़ना भी नहीं फोड़ना भी नहीं, मोबाइल हलाल 101% हलाल, 1000% हलाल। लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं वो तरीका जायज, फॉर्मेट बदल दो। अरे बोलो क्या करो, फॉर्मेट करेंगे ना। हमारे यहाँ मोबाइल मालूम है, अम्मी का फोन आता है, अम्मी अब्बा का, तब ये जवान को देखो लुआरा के शेगांव के जवान को कैसे बात करता, हेलो हाँ अम्मी, हाँ क्या हुआ, क्यों फोन किया, अम्मी बेटा तू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा रात को, क्या, हाँ मैं आ जाऊंगा, मेरा आ जाऊंगा, मैं तुमको फोन करके बता दूंगा, देखो खाना खाना है कि नहीं खाना, फट करके फोन रख दिया। और गर्लफ्रेंड का फोन आया, नंबर देखे, हेलो बेबी, हाँ क्यों बाबा मरने पड़ा, और फिर उसको तूने खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं तेरा बाप टिफिन लेके जा रहा है। क्या तरीका है मेरे प्यारों, भले ही हंसने की बात है लेकिन गौर करो तो वो माँ, वो माँ बोलो, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके फोन को तोड़ के, उसकी बात को तोड़ के खत्म कर दिया, और एक हराम काम जो करना था उसको आगे बढ़ गया। तो चलो खैर मैं बात को जल्दी निपटा रहा हूँ, अभी बच्चों का हिफ्ज भी मुकम्मल कराना है। एक एक, 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 एक बात तो पक्की हो गई, बोलो जन्नत में जाना ना इंशाल्लाह, तो पहला काम क्या करना, बोलो यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन, आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले करने धरने वाला कौन। चलो चलो दूसरी बात पर आ जाए, दूसरी बात, पूरा मजमा साथ में कहेगा मुस्तफा का दामन, ये दूसरी बात, मुस्तफा का दामन, कौन कौन तैयार है बोलो ना, मुस्तफा का दामन। अच्छा पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, ये मेरे को मालूम नहीं, यहाँ मेरे को यहाँ लोहारा के बारे में नहीं मालूम, आप लोग बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा, कुछ मालूम नहीं हमको, ये क्रिकेटर लोग बहुत पसंद आते हैं, किसी को बॉलीवुड वाला बहुत पसंद आता है, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता है, इसीलिए आपने देखा होगा अभी तो माशाल्लाह सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको पहना ही है टोपी, हमको क्योंकि अभी इनके टोपी उतारो ना, मैंने देखा आज वहां मलकापुर में भी देखा, मैं मलकापुर गया था दोपहर में, क्या मछली खिलाई, ऐसा दिल होता है कि खाने के वास्ते यहीं पे आने का भाई। तो मैं मलकापुर में था वहां भी देखा, कल देवलघाट में भी देखा, क्या क्या तरीका की टोपी आपने पहनी है, बाकी जब टोपी उतारते ना इनके सर के बाल, ये कैसा, ये इधर बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और पीछे के हिस्से में भी बाल नहीं, वो जकात का मुस्तहिक, और यहाँ यहाँ ऐसे बाल, हाँ वो औरत के अंबोड़े की तरह, और फिर क्या करेगा मालूम, मैं बाइक पे बैठेगा वो चौराहे पे जाकर यूं करेगा, यानी वो जो खाने ना वो तो नकली है, असली तो लुहारा में पैदा हुआ। सही बोलो, ऐसे बाल बनाते कि नहीं बनाते, मैंने बोलो ना ऐसे बाल बनाते कि नहीं बनाते, क्या तरीका मेरे पे। अच्छा मैं एक बात आपसे कहूं कि अगर कुछ लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत, ये पिक्चर के हीरो हॉलीवुड बॉलीवुड, ठीक है भाई मोहब्बत मोहब्बत, क्यों भाई क्रिकेटर से मोहब्बत क्यों करता, कहेगा वो मैदान के ऊपर कमाल बताता है मौलाना, अरे हॉलीवुड वाला बॉलीवुड वाला पर्दे पे कमाल बताता है। मैं एक बात कहता हूं, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, क्रिकेटर हो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, जमीन का दादा होता है, जमीन का कमाल बताता है, अल्लाह की कसम वो अकेले जो जमीन पे पैदा होते हैं आसमान पर कमाल बताते हैं। भाई मोहब्बत किससे करना चाहिए, जो जमीन पे कमाल बताए यार, और पूरा मजमा बोलेगा, बोलो मेरे साथ में बोलो, मैं जो बोलूं वो बोलो, शुरू करो शुरू करो, हमारे नबी वो नबी बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी, पूरा मजमा साथ में, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर आधा उधर, कोई तो करके बतावे, हम में से कोई कर सकता, एक मरतबा, क्या नाम बेटा तुम्हारा, तुम्हारी भी शादी हो गई है, अच्छा हो गई है, क्योंकि तेरे चेहरे से ही दुखी दुखी मालूम होता है, मेरे जैसा है इसका हाल बेचारे का। और क्या हुआ मालूम, कि मैं अपने घर पे, मैं पहले जो घर पे रहता था, हाँ तो टेरेस पर गया, कहाँ गया, चांद दिख रहा था, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी, मेरी बीवी बाजू में, एक तो वैसे ही वो थोड़ी गुस्से गुस्से में थी, क्योंकि पूरा दिन आदमी बाहर रहेगा तो बीवी टेंशन में रहती है, तो गुस्से गुस्से में थी, और मैं ऐसे ही चांद को देखा, तो मैंने सोचा मैंने यूं किया, यूं यूं
उसको कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने चार उंगलियों से किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दोनों हाथों से किया तो मेरी बीवी कहती क्या कर रहे हो, वो तो अच्छा था मैं आसमान की तरफ देख रहा था। मैंने कहा ओ अच्छा, वो गुस्से में गई कि थोड़ी देर मेरे को वक्त देते हो और उसमें भी आसमान की तरफ देखते हो, फिर क्या हुआ होगा मेरे घर में वो तो तुमको मालूम है। वो चली गई वहां से, लेकिन मैंने वो चांद से पूछा, चांद से पूछा कि मेरे मुस्तफा ने उंगली मुबारक से इशारा किया, तेरे दो टुकड़े हो गए, हमने दोनों हाथों से इशारा किया, जिसमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो चांद ने अपने जबान हाल से कहा सुनो, अल्लाह ने हम चांद सूरज को भी मुस्तफा का गुलाम बनाया है। हमारे नबी की हुकूमत किस पे हो रही है, चांद पर। आगे चलो पूरा मजमा, अभी तक मेरा साथ नहीं दे रहे हो, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। एक बात बताऊंगा फिर बात पर हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अमल करोगे ना इंशाल्लाह, सब अमल करेंगे। बस एक वाक्या सुन लो, बहुत प्यारा वाक्या, फिर फैसला करेंगे यहाँ से। मोहब्बत करते हो ना हमारे नबी से, बोलो ना एक बार, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुज्तबा का दामन। बस ये आखिरी बात सुन लो, फिर उसके बाद पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारे नबी सफर में, बोलो हमारे नबी, लेकिन वो सफर इतना प्यारा, ऐसा मुकद्दस सफर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सफर में तीन, बोलो सफर में कितने, तीन, बीच में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, राइट में थोड़ा दूर हजरत अबू बकर सिद्दीक, और लेफ्ट में हजरत उमर फारूक। बताओ इससे बढ़कर कोई मुकद्दस सफर होगा, क्योंकि बीच में हमारे आका है। पूरा मजमा सुनना, राइट में हजरत अबू बकर, लेफ्ट में, बीच में हमारे नबी। और अल्लाह की कसम ये नबी, इनके बाद कोई नबी आने वाला, तेरे साथ में बोलो, क्योंकि कुछ लोग ये अकीदा खराब करते हैं, हाँ नबी बन जाते हैं, हाँ तो मेरे प्यारों साथ में बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीन। तो बीच में हमारे नबी, बोलो इनके, इनसे बढ़कर कोई नबी। राइट में कौन है, जल्दी जल्दी बोलो राइट में कौन है, हजरत अब जिनके बारे में कुरान ने क्या फरमाया वमा लि अहद इंदहु मिन नियमतिन तुजज़ा इल्ला बितिगा वजही रब्बिल आला वला सौफ यरदा। हजरत अबू बकर इतने बड़े सहाबी, हम कहते अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह कहते मुस्तफा अबू बकर को पूछो मैं राजी हो गया, वो मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ। बोलो राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, हजरत उमर, जिनके बारे में खुद हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने क्या फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر। हमारे नबी ने फरमाया सुनो सुनो कयामत तक आने वालों, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबी आने वाला। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते, बनाने वाले नहीं है लेकिन किसी को बनाते, तो अल्लाह उमर को नबी बनाते। बोलो सुभान। इसे मैं कभी कभी कहता हूँ ये सफर इतना प्यारा था, क्योंकि यहाँ कौन है, राइट में कौन है, जिनमें जमाल ही जमाल, अरे बोलो जमाल ही, नरमी नरमी, बोलो बात में नरमी, चाल में नरमी, हाँ इधर हजरत अबू बकर जमाल ही जमाल, इधर कौन है लेफ्ट में, हजरत उमर जलाल ही जलाल, हजरत उमर का रोब और दबदबा कहाँ, जलाल ही। तो अबू बकर को देखो जमाल, उमर को देखो जलाल, मुस्तफा को देखो कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये सफ़र हो रहा है, सुनना बराबर, सफ़र हो रहा है, जा रहे बिल्कुल शाम का वक्त है, सफ़र हो रहा है। अचानक जंगल से गुजर रहे, एक आवाज़ आती है, जंगल में आवाज़ आती है, और सही में अचानक आवाज़ आवे तो आदमी डरे कि नहीं डरे। अभी हम यहाँ बैठे, अचानक कहीं से आवाज़ आवे, सब इधर उधर भागना दौड़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब हमारे नबी जा रहे सफ़र में, अचानक आवाज़ आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही आवाज़ आती इतनी प्यारी, तो हजरत अबू बकर उमर को कौन बोला, हजरत उमर कहते नहीं मालूम कौन बोला, क्योंकि आवाज़ तो कहीं और से आई है, हम तो बोले नहीं है। तो कुछ नहीं, लेकिन हिम्मत कुछ भी नहीं, सफ़र बोलो क्या, आगे 10 कदम भी नहीं बढ़े होंगे, फिर आवाज़
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की व अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आबाद आई मेरे प्यारे नबी तुम पर सलाम, मेरे रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर और उमर ने कहा नहीं, आवाज कहीं और से आ रही है। सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, सीधे दोनों गए और दोनों ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये आवाज आ रही जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे। सुनना हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह, और हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया। मैं कभी कभी कहता हूँ हमारे नबी मुस्कुराते थे और चेहरा अनवर उठाते थे, ऐसा लगता था अंधेरी रात में चौदहवीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी ने आहिस्ता से चेहरे अनवर उठाया और फरमाया हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, जो सलाम हो रहा है मैं भी। तो हजरत अबू बकर उमर कौन कर रहे हैं, कौन कौन, हम तो यहाँ पर नहीं कर रहे, कौन आपको सलाम कर रहा। सुनना हमारे नबी ने जो जवाब दिया वो सुनना, अशार रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर व कहाल हदा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर एक चट्टान उसकी तरफ इशारा किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर उमर ये पत्थर ये चट्टान है, ये मुझे पहचानता है मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। बस ये लोहारा और शेगांव वालों कौन हमारे नबी को पहचान रहा है, आवाज नहीं आई। मैंने जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं बोलूंगा। कौन पहचान रहा पत्थर पत्थर, हमारे नबी फरमाते यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैह, ये पत्थर मुझे पहचानता है मुझे सलाम करता, मैं सलाम का जवाब देता, मैं इस पत्थर को पहचानता। अरे मेरे यहाँ के इलाके वालों एक पत्थर दे जान, पत्थर में जान है, आपको यहाँ भी पत्थर मिले उठा के यूं फेंको गाली देगा हमको, नहीं फिर वहां से उठा के फिर फेंको गाली देगा, फिर लेके ने कोई गंदे नाले में डाल दो गाली देगा क्योंकि उसमें जान। अरे पूरा मजमा बोले पत्थर उसमें जान, उसमें अकल, उसमें दिमाग, उसमें रूह, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं, लेकिन दे जान पत्थर वो प्यारे नबी को पहचाने। हम जान वाले अकल वाले रूह वाले दिमाग वाले कलमा वाले, हमसे बढ़कर बेशरम कौन होगा। एक बेजान पत्थर तो नबी को पहचाने और आज तक हमने नबी को नहीं पहचाना। ये मजमा बैठा है अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ हम नबी को पहचाने क्यों, हम हीरो को पहचाने, हॉलीवुड वाले को पहचाना, बॉलीवुड वाले को पहचाना, हमने दुनिया के एक एक खिलाड़ी को पहचाना, नहीं पहचाना तो मुस्तफा को नहीं पहचाना। सही में एक बेजान पत्थर, ये पत्थर को कल अल्लाह अगर कयामत में बोलने की ताकत देगा ना वो पत्थर भी कहेगा कि अल्लाह अल्लाह मैं जंगल में पड़ा था और मेरे नबी एक बार गुजरे, मैंने सलाम किया क्योंकि मैं नबी को पहचाना। ये उम्मती कलमा वाले अकल वाले दिमाग वाले, अल्लाह ने कभी रात को भूखा नहीं सुलाया, अल्लाह ने कभी रात को प्यासा नहीं तड़पाया, अल्लाह ने कभी घर से बेघर नहीं किया, हम नबी को पहचाने। हालांकि मेरे दोस्त रोटी मिलती है तो प्यारे नबी के सदके, पानी मिलता है तो नबी के सदके, ये कपड़ा मिला नबी के सदके, अरे ये बीवी बच्चे मिले नबी के सदके, जिसके सदके मिला उसको पहचान हम लोग। मैं सही कहता हूँ बहुत सारे लोगों ने नबी को नहीं पहचाना, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं खुल के कहता हूँ हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई चेहरा, मेरे साथ में बोलो हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अरे एक मरतबा हमारे नबी मुस्कुराए, बोले क्या हुआ, मुस्कुराए तो हजरत अबू हुरैरा यूं करके देखने लगे, यूं करके तो सबने पूछा अबू हुरैरा नबी मुस्कुरा रहे तुम क्यों देख रहे हो। अगर अबू हुरैरा ने कहा तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह की कसम मेरे नबी जब भी मुस्कुराते हैं सामने दीवार पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आती है। हमारे नबी के बारे में अबू हुरैरा कहते आला अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यضحك وسنانه تتلألأ فوق الجدران। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने अल्लाह के रसूल को मुस्कुराते हुए देखा, आप मुस्कुराते हैं आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवार पर। तो मेरे दोस्तों सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत, और हमने नबी को पहचाना। ए सब बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, अरे भाई हाँ या ना बोलो ना भाई, थी या नहीं थी, अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही। नबी के चेहरे पे दाढ़ी, अबू बकर के चेहरे पे,
उमर, उस्मान, अली, मैदान करबला में शहीद हजरत हुसैन, उनके बड़े भाई हजरत हसन, सारे औलिया, सारे अंबिया, मक्का मदीना, बोलो ना सबके चेहरे पर दाढ़ी। तो ये इलाके में क्या प्रॉब्लम है दाढ़ी का? अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, बिल्कुल चिकना गाल, जिसको मैं कहता हूँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कुछ को देखता हूँ माशाल्लाह है दाढ़ी, जैसे यहाँ बैठे स्टेज पर उलमाए किराम, और कुछ बंदे भी अल्लाह के बैठे, मैं कहता हूँ सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लेकिन कुछ जो ऐसे है जो ऐसी पट्टी बनाते, या बहुत सारे ऐसी पट्टी बनाए, ये क्या है? इससे बड़ा अस्तगफिरुल्लाह कोई नहीं है ये पट्टी। और मैंने एक को देखा ऐसी पट्टी बनाया था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तू दाढ़ी काय को नहीं रखता? तो कहते मौलाना है। मैंने कहा ये इतनी, मैं कब से आई है? कहा 4 साल हो गए। मैंने कहा क्यों 4 साल में तेरे इलाके में बारिश नहीं होती? तो मुझे क्या जवाब दिया? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग यहां जवाब ऐसा तैयार करके रखे होंगे। वो मुझे क्या कहता? अंग्रेजी जबान में कहता, क्योंकि ये इंग्लैंड की बात में कर रहा हूं, तो मुझे अंग्रेजी जबान में कहता, ओ मौलाना यू डोंट नो, ये जो दाढ़ी है ना, दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ ईमान, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, ये इतनी दाढ़ी चले। और मुझे कहता मौलाना यू डोंट नो, दिस इज ओके। मैंने कहा भाई यू डोंट नो, दिस इज ओके। यहां बहुत सारे धोखे वाले बैठे। ए मेरे प्यारो, देखो दाढ़ी रखना रखेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो ना, मैं भी निकाल लूं कि मेरे को भी मालूम है दाढ़ी रखता हूं तो बुढ़ा दिखता हूं। सही में जो दाढ़ी रखता है वो बुढ़ा दिखता है। आप 40 साल के या 50 साल के एक आदमी को रखो जिसकी दाढ़ी नहीं है, और एक उसको रखो जिसकी दाढ़ी है, और इतने बड़े मजमे में रखो, कोई वहां से पास होता होगा ना, तो अगर उसको बगैर दाढ़ी वाले के पास से गुजरना है ना, तो कैसा गुजरेगा? ओ भाई जरा साइड पे हटना, चला गया, यहां से गुजरना होगा, ओ चाचा। अरे कम बखत उसकी बीवी भाभी ने, मेरी बीवी चाची, उम्र दोनों की एक। तो दाढ़ी रखने से बूढ़ा तो दिखता है। ये अजमेर वाले बाबा है ना, नाम सुना है? कौन? हजरत खाजा। उनको किसी ने आकर कहा था हजरत के दाढ़ी रखे, बड़ा बुढ़ापा लगता है, 40 साल में आदमी बुढ़ा बुढ़ा दिखता है। हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने क्या धूमधाम जवाब दिया, फरमाया दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। तो मेरे प्यारो, मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, कयामत में प्यारे नबी से मुलाकात होगी ना? हाँ बोलो। हाँ, हमारे नबी फरमाते हैं मैं मिंबर पर रहूंगा, तो मेरे हाथ में लिवाए हमद का झंडा होगा, मेरे उम्मती मेरे पास आते होंगे, मतलब कयामत में नबी से मुलाकात होगी। और हदीस में लिखा है जैसे कब्र में जाएंगे वैसे कयामत में उठेंगे, बगैर दाढ़ी के गया तो बगैर दाढ़ी के उठेगा। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब, बात ख़त्म। अगर हमारे नबी ने कयामत के मैदान में पूछा मेरा उम्मती 50 साल दुनिया में था, तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा चला जा, मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता, ये सवाल का जवाब दे दो, दाढ़ी निकाल दूंगा, मैं भी अच्छा बन के घूमूंगा। लेकिन वही बात है कि अगर कयामत में नबी ने कह दिया मैं तुझे नहीं पहचानता, अल्लाह की कसम ऊपर से अल्लाह कहेगा जिसको मेरा नबी ना पहचाने मैं भी नहीं पहचानता, जाओ जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, 3 बातें मैंने कहा था कि करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाल्लाह। अभी कुरान पाक का हिफ्ज़ भी मुकम्मल और निकाह भी होना है, 3 बातें हमको करना, जिसमें पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात के लिए हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और एक आखिरी बात ये इस्लाह मुआशरा की सबसे प्यारी बात ये है, ये जितना मजमा बैठा है सब इरादा कर लो, आज पक्का इरादा करो। देखो 3 बातें करेंगे, जन्नत में जाएंगे, बोलो जन्नतुल, कौन से नंबर वाली जन्नत, और सबको जाना है। 3रा काम पक्का, भाई कुछ भी हो जाए, सफर हो, हजर हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलो इंशाअल्लाह। कल बोलो लो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कजा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज, बोलो 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 5 वक्त की। और एक आखिरी बात सुन लो, पूरा मजमा कहेगा हाँ, जो 5 वक्त का नमाजी होगा बोलो जन्नती होगा, बोलो क्या होगा, और जो नमाजी नहीं होगा वो
जहन्नम। आप सोचते थे कारी अहमद अली इतना आराम से जन्नती जहन्नम ही बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं आपको डायरेक्ट रिले कुरान पाक से। आप जाओ कुरान में 29वें पारे में अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदियां नमाज पढ़ेंगे मैं जन्नत दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नतिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे बंदे बंदियां पांच वक्त नमाज की पाबंदी करे, तुम नमाज पढ़ते जाओगे अल्लाह जन्नत के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और जो नमाज नहीं पढ़े वो सिर्फ जहन्नम ही नहीं है, सुनोगे तो अभी बदन के बाल खड़े हो जाएंगे। जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। और ये कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बेनमाजी जहन्नमी। और अल्लाह के फैसले को कोई बदल सकता? ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد। अल्लाह कहते मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आज ये पूरा मजमा पहले तो इकरार करेगा ला इलाहा, साथ में ला इलाहा, नंबर दो मुस्तफा का दामन, और सब लोग दो हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हम हमारी बीवी हमारे बच्चे बोलो नमाज कज़ा, वादा पक्का इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हमारे बेटे मुफ्ती अनीस का और जितने मेरे साथ में मालूम नहीं कहाँ कहाँ से, गुजरात से भी कुछ लोग मेरे साथ में चल रहे, देवलघाट से हाफिज शरीफ अब्दुल हमीद और हमारे फारूक भाई और अब्दुल राजिक भाई और हमारे बेटे नौमान, मौलाना नौमान, बहुत सारे लोग मेरे साथ में काफिला बना बना के चल रहे। अल्लाह ताला सबके जान माल उमर में बरकत अता फरमाए। अब क्या दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।